ये है 2024 की न्यूली लॉन्च बजाज की पल्सर NS125 LED हेडलाइट डिजिटल मीटर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 2024 मॉडल। इसमें कंपनी ने 6 से 7 बदलाव क्या क्या किए हैं, क्या क्या नए फीचर्स अपडेट के साथ मिलेंगे, इसकी ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक ऑरेंज कलर है NS125 का, बकायदा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर काउल के ऊपर में NS125 लिखा हुआ है। इसमें पहला जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है भाई इसकी डिस्प्ले में। यहाँ पर 125cc में भी कंपनी ने अब फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप दे दिया है, बहुत ही अच्छे स्मार्ट फीचर्स के साथ, जिसमें यहाँ पर रिफ्यूल लिखा आ रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है डिजिटल में, आरपीएम मीटर भी आपको डिजिटल में मिलेगा, यहाँ पर साइड स्टैंड और घड़ी आपको मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, बाकी नीचे में फ्यूल गेज दिया गया है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई इसमें सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, और इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। और अगला अपडेट भाई ये है कि 125cc की NS में ना आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स इसमें कंपनी ने इस बार ऐड कर दिया, जो पुराने वाले मॉडल में आपको नहीं मिलता था, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट वाले यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको NS200 और 160 की तरह GPS नेविगेशन असिस्ट वाला यहाँ पर आपको फीचर्स इसमें देखने को नहीं मिलेगा, जो 200cc और 160cc NS में ही दिया गया। यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, ऊपर में टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर की लाइट है, नीचे में हेडलाइट की वार्निंग इंडिकेशन दी गई, ठीक है। और इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाएगा, 55 तक का ये बाइक आपको माइलेज दे देती है। बाकी ये जो आरपीएम मीटर है ये पहले एनालॉग में था, अब डिजिटल में हो चुका। ऊपर में शिफ्ट टाइमिंग लाइट दी गई है, जो कि 3 कलर में आपको जलती हुई दिखाई देने वाली है, बकायदा आप देख भी सकते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन में। अगला अपडेट ये है कि भाई अब आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चार्जिंग का USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, तो जिसमें ऊपर ढक्कन भी है, तो भाई पानी भी नहीं जाएगा। यहाँ पर जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन बार है, जो कि काफ़ी अपराइट है, तो बाइक को चलाते समय आपको R15 की तरह तो झुकना नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको जो है वो हेडलाइट का स्विच आपको नहीं मिलेगा NS160 की तरह, ऊपर में इंजन के नीचे में सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। भाई यहाँ पर जो स्विच की असेंबली ये भी पूरी की पूरी चेंज कर दी है, बकायदा आप देख भी सकते हैं पुराने वाले से अलग है। यहाँ पर जो लाइट का थ्रो है वो अब आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, मोड का बटन दे दिया गया है, इंडिकेटर, नीचे में हॉर्न का बटन है, हॉर्न भी काफ़ी लाउड है, क्लच का लीवर भी काफ़ी हल्का है, मिरर आपको वही मिलेंगे पुराने वाले, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर E20 का स्टिकर है, तो ये 20% एथेनॉल को सपोर्ट करती है। E20 OD2 वाला नया मॉडल है, ऑरेंज कलर है टैंक में और 12 लीटर का टैंक है, पल्सर का 3D में लोगो है ग्रे कलर में, और भाई यहाँ पर 125 लिखा हुआ है, जो कि वाइट कलर के ग्राफिक्स से है, ठीक है। बाकी जो टैंक है वो 12 लीटर का ही। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो हेलोजन वाले मिलेंगे, 160 और 200 में LED वाले मिलेंगे। हेडलाइट पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसकी इंजन को ऑन कर देता हूँ, बकायदा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बिजली का जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक का, कुछ इस तरह के LED वाले DRL आपको देखने को मिल जाएंगे साइड बाई साइड, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश लग रहे हैं। और यहाँ पर जो हेडलाइट का जो पोर्शन है ये भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। ऊपर में आपको ऊपर वाली जो लाइट है वो LED में आपको मिलती है लो बीम के साथ, नीचे वाला जो पोर्शन है हेडलाइट का ये आपको हाई बीम के साथ मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप इस बाइक को रात में लेकर निकलोगे ना अंधेरे में, तो भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो पुराने वाले मॉडल से काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो अलग ही आपको लुक आपको मिलेगा नाइट में। यहाँ पर ऑरेंज और ब्लैक कलर के ग्राफिक्स हैं, और ये जो निचला वाला पोर्शन है ये भी चेंज कर दिया, जबकि पुराने वाले मॉडल में दो छोटे छोटे आपको हेलोजन वाले पायलट लैंप आपको मिलते थे, ठीक है। बाकी ऊपर वाला जो वाइजर है ये भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ये अब आपको सिंगल पीस आपको मिलेगा डुअल टोन फिनिश के साथ, तो हेडलाइट अब आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब पीछे में चलते हैं, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन लो। इसमें जो टेल लाइट है वो आपको LED में मिल जाती है, जो कि स्प्लिट में दी गई है, और जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको मिल जाते हैं हेलोजन में। अगर आप चाहो तो पैसे देकर भाई NS160 वाले LED वाले भी लगवा सकते हैं। स्विच के अंदर में भी आपको लाइट देखने को मिल जाएगी ब्लू कलर में, जो कि इसके सिंबल को आपको रात में दिखाने वाली है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नीचे की साइड में, तो भाई यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग है, पहले ये कार्बोरेटर में आती थी। यहाँ पर जो फ्रेम है वो पेरीमीटर वाला मिल जाता है, जो कि NS200 से लिया गया है। यहाँ पर आपको किक मिल जाती है, जो कि रेडर लेते हैं तो भाई किक आपको ढूंढे भी नहीं मिलती है, जो कि इसका सबसे बड़ा। अब किक लगाने के लिए ना ये जो फुटपैक्स है इसको आपको फोल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीच में अड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेक पैड है वो कुछ इस तरह का, 179mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। ये है भाई इसका इंजन गार्ड, जिसमें डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स हैं, जो कि फाइबर बॉडी में। यहाँ पर इंजन
इंजन ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट। इंजन आपको नॉन डीटीएसआई वाला मिलता है, ये है भाई इसका क्रैश गार्ड। ये जो इंजन है ये आपको एयर कूल्ड वाला मिलता है जो कि सिर्फ हवा से ही ठंडा होने वाला है। ये है कैटेलिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है। इसमें दिया है 124.45 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर कूल्ड BS6 FI वाला नया इंजन जो आपको 11.99 PS की मैक्स पावर देता है 8500 RPM पर और 11 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 7000 RPM पर। जबकि TVS रेडर में 3 वाल्व वाला इंजन आपको मिलता है और यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये 33 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, जबकि इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको USD फॉर्क मिलते हैं 200 और 160 cc में। आगे वाला जो मडगार्ड ये थोड़ा सा पतला है NS200 और 160 की कंपैरिजन में और यहाँ पर आपको कोई भी सिंगल चैनल ABS की बैजिंग नहीं मिलेगी। 240 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर ABS की प्लेट भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी को ABS मेरे हिसाब से देना चाहिए था। इस सेगमेंट में 80/100/17 का ट्यूबलेस टायर है, 17 inch का ग्रे कलर का अलॉय व्हील दिया गया, यहाँ पर ऑरेंज कलर की आपको पट्टी मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो टायर की ग्रिप है वो भी काफ़ी ठीक ठाक दी गई सिटी में चलाने के हिसाब से। रियर में चलते हैं तो जो फुटपैक्स हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं और पीछे में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाता है जो कि नाइट्रॉक्स गैस वाला यहाँ पर दिया गया है। पीछे में आपको 100/90/17 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और जो टायर है वो थोड़ा सा 30 mm कम चौड़ा मिलता है NS160 के मुकाबले। यहाँ पर मड फ्लैप और टायर हगर भी आपको मिल जाएगा। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है, तो पीछे में डिस्क का यहाँ पर कंपनी ने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। और ये है भाई इसका स्विंग आर्म जो कि बॉक्सी टाइप का है, मेटल बॉडी का। ये है इसका मड फ्लैप। अगर आप इसके काउल के ऊपर में देखेंगे तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, यहाँ पर मैट ब्लैक कलर है, यहाँ पर NS125 लिखा हुआ है। पिलियन वाली जो सीट है वो NS200 की तरह ही है, राइडर वाली भी सीट आपको उसी तरह की मिलती है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी आपको मिडिल सॉफ्ट आपको मिल जाती है। पीछे में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं और टेल लाइट और पीछे का जो सेटअप है वो सब कुछ वही है पुराना वाला। 805 mm की इसमें आपको सीट हेड मिल जाती है और 144 किलोग्राम इसका वजन दिया गया है। बाकी साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक लंबा सा एक्स्ट्रा साड़ी गार्ड मिल जाता है जिसमें लेडी प्लेन को पैर रखने के लिए सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। नीचे में आपको एक जाली भी मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ओपन चेन सेट कवर दिया गया है और बॉक्सी टाइप का स्विंग आर्म आपको मिल जाता है। और ये है भाई इसका गियर बॉक्स, इसमें आपको टोटल 5 गियर मिल जाते हैं, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। पहला गियर डाउन है, 4 गियर अप हैं, तो कुछ इसी तरह से पैटर्न रहने वाला है। नीचे में साइड स्टैंड इंजन क्लब सेंसर का फीचर दिया गया है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो लगभग 115 के आसपास इसकी टॉप स्पीड चली जाती है। तो प्राइस की बात करें तो न्यू 2024 की NS125 की LED हेडलाइट के साथ इस बाइक की जो नई एक्सोरूम कीमत है वो है 108,416 रुपये। इसकी न्यू ऑन रोड कीमत है 129,712 रुपये, जबकि NS200 की ऑन रोड कीमत है 191,000 रुपये और NS160 की ऑन रोड कीमत है 178,000 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है OSL बजाज शोरूम ठाकुर पुकुर कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं NS125 की ऑन रोड कीमत क्या है आपके शहर में तो कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे अपडेट के साथ।